हेलो माय टेस्टिंग, हेलो 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 यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल साइबर बाबा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें तीन कंडीशन है, या फिर आपका चैनल अभी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है, या फिर आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या फिर टर्मिनेट हो गया है, या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल से कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो एडसेंस के अलावा। तो यार इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है, जिसमें मैं आपको तीन प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने के लिए। तो सारी प्रोसेस जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। सो इस लिस्ट में हमारा जो सबसे फर्स्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है वह है अफिलिएट मार्केटिंग। मेरे 99% व्यूअर्स को यह तरीका पहले से ही पता है, बट क्वेश्चन यह है कि इसका हम कैसे सही तरीके से यूज करें जिससे हमारी अच्छी सेल हो और हम ज्यादा पैसे कमा सकें। बट इससे पहले हम चलते हैं मेरे अफिलिएट डैशबोर्ड पर और मैं आपको एक एक करके अपने दोनों अकाउंट की अर्निंग दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सबसे पहले फ्लिपकार्ट का अफिलिएट डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम इसे लॉग इन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग से मेरी 1347 रुपए की कमाई हुई, जिसमें से 1118 रुपए मेरी अप्रूव्ड पेमेंट है और पेंडिंग पेमेंट में 299 रुपए है। अब हम चलते हैं अपने अमेजोन के अफिलिएट डैशबोर्ड पर। तो यहां से चलते हैं हम सबसे पहले रिपोर्ट पर। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे अमेजॉन अफिलिएट अकाउंट में 857 रुपए हैं। हम इसे स्क्रॉल करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, मोबाइल ट्राइपॉड। मैंने अफिलिएट मार्केटिंग का यूज यूट्यूब के केवल इसी वीडियो पर किया है और मैंने इस पर्टिकुलर एक वीडियो से 2200 रुपए कमाए। अब मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि मैंने भी अपने वीडियो में अफिलिएट लिंक दिया बट अर्निंग नहीं हो रही। तो यार अगर आप अपने वीडियो में सिर्फ लिंक को देंगे, ठीक है ना, आप व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे ना, आप किसी को बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो कोई भी आपसे परचेस नहीं करेगा। बट अगर आप पहले प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और फिर व्यूअर्स को बताते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो 90% केस में व्यूअर्स उस लिंक तक जरूर जाता है। इसके बाद हमारा सेकेंड तरीका है पीपीडी साइट्स। आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे जिसमें क्रिएटर्स अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करते हैं किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि उन्हें इन फाइल्स या ऐप या सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने पर पैसा मिलता है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो पर डाउनलोड के हिसाब से पे करती हैं, जैसे कि फाइलाइज, यूजर्स क्लाउड, डॉलर अपलोड, अपलोड ओशियन, शेयर कैश और भी बहुत सारी साइट्स। बस आपको इन्हीं में से किसी एक साइट को सिलेक्ट करना है और अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे शेयर कैश का डैशबोर्ड है। अब इस साइड में किसी भी फाइल या सॉफ्टवेयर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको मोनेटाइजेशन टूल्स पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स एंड अपलोडिंग। यहां से आपको अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, फाइल अपलोडर और एफटीपी अपलोडर, जिनकी मदद से आप किसी भी फाइल, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इस साइट पर अपलोड कर सकते हैं। यहां पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल को अपलोड किया हुआ है। अब इस फाइल की मुझे लिंक क्रिएट करनी है। सो लिंक क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इस फाइल पर राइट क्लिक करना है और यहां से जनरेट लिंक पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको अपना डिजाइन सेलेक्ट करना है, व्यूअर्स को किस तरह शो होगी। डिजाइन को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने पिक अ डोमेन का एक ऑप्शन आ रहा है। सो यहां से आप रैंडम किसी भी डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन जनरेट। सो फाइनली यहां से हमारी लिंक क्रिएट हो चुकी है, हम इसे कॉपी करते हैं। अब आपको सिंपली अपने यूट्यूब वीडियोस पर जाना है और डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को पेस्ट करना है। बट कंडीशन यही है, अगर आपने उस वीडियो में उस फाइल या सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताया है तो कोई भी यूजर डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी इस लिंक को ओपन नहीं करेगा। बट अगर आपने सजेस्ट किया है अपने व्यूअर्स को कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो 90% आपके व्यूअर्स उस लिंक पर जरूर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आपके व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से उनके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपकी अपलोडेड फाइल्स होंगी। बट इस मेथड को अगर आप डायरेक्टली यूज करते हैं यूट्यूब पर तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है आपका यूट्यूब अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब है ऑफिशियली अलाउ नहीं करता कि थर्ड पार्टी लिंक्स को आप अपने चैनल पर ऐड करें। इसलिए अगर आप थर्ड पार्टी लिंक्स को अपने चैनल पर ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप गूगल यूआरएल शॉर्टनर की मदद से अपनी इस लिंक को शॉर्ट करें, देन शॉर्ट लिंक को आप अपने डिस्क्रिप्शन में दें। इसके बाद हमारा थर्ड, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है सेंड यूट्यूब ट्रैफिक टू योर ब्लॉग और वेबसाइट। आज की डेट में इंटरनेट पर इतनी एडवांस वेबसाइट और CMS पोर्टल हैं जिनकी मदद से आप 10 से 15 मिनट में अपनी वेबसाइट को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस को यूज कर भी अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं।
बस आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिसमें आप यूजर को रोक कर रख सकें। डजेंट मैटर आप उसमें कंटेंट क्या डाल रहे हैं, किस कैटेगरी से डाल रहे हैं, यह मैटर नहीं करता। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो व्यूअर्स आपकी साइट पर आकर रुकेंगे, और अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो व्यूअर्स आपकी साइट पर नहीं रुकेंगे। बट सबसे पहले आपको अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है ताकि आप यूट्यूब के ट्रैफिक को अपने उस प्लेटफॉर्म पर सेंड कर सकें। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो कुछ समय पहले मैंने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया था सी फॉर साइबर। यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ सी फॉर साइबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्लॉग मेरा है जिसका डोमेन चेंज कर मैंने cyberbaba.xyz कर दिया है। सो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं, ना ही ये कोई एडवांस ब्लॉग है, बहुत ही सिंपल सा इसमें लुक है। अभी तो मैंने इसे cyberbaba.xyz से कनेक्ट कर दिया है, पर जब यह c4cyber.blogspot.in था तब मैंने इस ब्लॉग पर कुछ पोस्ट डाली हुई थी और अपने पुराने यूट्यूब चैनल की मदद से यहाँ पर मैं ट्रैफिक को लेकर आता था। इस ब्लॉग पर मैंने थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट जैसे कि इन्फोलिंक, चितिका और भी बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स के ऐड लगाए हुए थे। अब मैं आपको इस वेबसाइट की अर्निंग दिखाता हूँ जो कि मैंने बहुत टाइम पहले की थी, बट अभी मैंने यह बंद कर दिया है। सो हम चलते हैं सबसे पहले इन्फोलिंक पर। अब यहाँ से मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43,000 के समथिंग व्यूज हैं जिसमें मेरी अर्निंग $7 हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे शॉर्ट लिंक, मर्चेंटाइज, सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे तरीके हैं। बट अगर आप इन तीन तरीके को फॉलो करते हैं तो आप बिना एडसेंस अकाउंट के भी पैसे कमा सकते हैं, यह मेरी आपसे गारंटी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।